ये देखने वाले हैं आज हम। दोस्तों नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गजल का ठेका, गजल दादरे के गजल का ठेका। आज हम इसमें बात करेंगे। मतलब इसका एक पूरा पैकेज हम लेते हैं। ठेका आज मैं सिखाऊंगा, फिर इसके नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट डे के बाद, क्योंकि ठेका हम 2 दिन चलाएंगे, है ना। फिर नेक्स्ट डे मतलब आज मैं अपलोड कर दूंगा, आपको 2 दिन में उसको तैयारी करनी होगी। फिर उसके नेक्स्ट डे हम उसकी डबल देखेंगे, फिर उसके बाद एक कोई एक आध लग्गी देखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पूरा पैकेज बन जाएगा और एक छोटी सी तिहाई हम देख लेंगे, तो आपका ये गजल का दादरे का जो ठेका है वो तैयार हो जाएगा, है ना। हमने दादरा भी सीखा जो भजनों में बसता है, लेकिन अब हम गजल में दादरा सीखेंगे, है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज मैं गजल का ठेका मैं डबल भी करके बताऊंगा, है ना। वो जो डबल है वो इसके बाद के वीडियो में सुनने को मिलेगी, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाता है। तो हम एक एक चीज देखेंगे, पहले ठेका गजल का एकदम ओरिजिनल ठेका देखेंगे, है ना। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बजा के बता देता हूँ आपको, और एकदम एक एक चीज ध्यान देना, मैं एकदम परफेक्ट बोल बताऊंगा ठेके के, है ना। तो चलिए ये शुरू करते हैं। ठीक है, ठेका डबल, ठेका ऐसे करके, तो देखो क्या किया मैंने, पहले ठेका बजाया, फिर डबल बजाया, फिर उसके बाद तिहाई लिया। अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि ये बजता किस में है। जैसे फॉर एग्जांपल एक गजल है, रंजिश ही सही, है ना। अब मैं उसको गाकर और थोड़ा बजा के बताता हूँ, तभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में मैं बजा के, क्योंकि रंजिश ही सही गजल आप सब जानते हैं। रंजिश ही सही दिल ये दुखाने के लिए, रंजिश ही सही दिल ये दुखाने के लिए, ऐसे मतलब इस तरह से बजता है। अब गाना और बजाना दोनों साथ में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन देखो मैंने डबल किया, तो इस तरह से आपको भी प्रयास करने हैं। जैसे रंजिश ही सही हुआ, वैसी इतनी शक्ति हमें देना दाता, हालांकि ये नहीं बजाए, लेकिन इतनी शक्ति हमें देना दाता में ठेका देखिए, इसी तरह का मैं बजाऊंगा और बड़ा खूबसूरत लगेगा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, डबल तो ये देखो इस तरह से हुआ। अब हम इसको धीमी गति में देखेंगे, तो मैं ये बताने वाला हूं आज, तो इसमें ध्यान दीजिए, कीजिए इसको। चलिए आइए धीमी गति में देखते हैं। तो देखिए धीमी गति में है ना, तकाना, ठीक है, तदाना, ये ठेका बता रहा हूं मैं, गजल का ठेका, दादरे का गजल का ठेका। तदाना ट्रक, अब ट्रक मुझसे एक ने कमेंट में पूछा था उनके लिए, ये तक ट्रक है ना, ये जो स्याही में बजता, तो ये उनके लिए। तो ये ट्रक बड़ा इंपॉर्टेंट है तबले में, क्योंकि मैक्सिमम यूज होता है ये, है ना। तधाना, अब तधाना के, तधाना है ना। देखो तधाना भी बजा सकते हो और धाना तिल, अब धाना भी बजा सकते हैं ना, लेकिन जब आप समय हो जाता है तबले को तो धाना तिल, और नहीं तो फिर धाना तिल या तधाना तिल। अब आपको जो आपको खूबसूरत लगे, जो आप उसको पकड़ लीजिए। तधाना, अब तधाना ऐसे हल्के हाथ से गिराना है, तधाना तधा, तधा देखो त धा, ठीक है। अब ना तधाना तित, तित बीच की उंगली से,
है ना, इतना बच गया। पीस पीस में देखो अपन डिवाइड कर दे, तधानातिप आ गया, फ्रक तधानातिप फ्रक तक भिन्न भिन्न, है ना, फ्रक तक धिन धिन, त्रक तक धिन धिन, त्रक तक धिन धिन, ये हो गया। तधानातिप आ गया, तधानातिप एक पार्ट, फिर त्रक दूसरा पार्ट, तक धिन धिन, तधानातिप त्रक तक धिन धिन, बस इतना ही है। फिर से देखिए धीमी गति में, तधाना तित बज गया, तधाना तित या धाना तित, धा बजाइए, फिर ना बजाइए, फिर तित बजाइए, फिर त्रक बजाइए, त्रक देखिए, त्रक त्रक है ना, ये आप इसको उल्टा तेटे भी बजा सकते हैं, तधाना तित इतना बज गया, फिर तेटे तक धिन धिन, मैं इजी करके आपको बता रहा हूं, तधाना तित तेटे तक धिन धिन। अब तेटे या त्रक जो मैंने बताया है ना, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, त्रक बजाइए, त्रक ये दोनों, पहले ये गिरेगी त्र क, ये त्रक के लिए और तेटे के लिए, तेटे है ना, या तेटे बजाइए, त्रक बजाइए, तधानातिप तेटे तक तक, वेरी इजी, फिर दिन दिन, बस इतना ही है। ये गजल का ठेका है, आप इसको सीखेंगे या धीमी गति में बजा के देखेंगे तो बढ़िया लगेगा ना। फिर इसका डबल देखेंगे, डबल फिर और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये कल चलेगा और ये परसों यही ठेका चलेगा। इस ठेके को आप पूरा कीजिए, फिर हम इसका डबल देखेंगे, फिर एक तिहाई देख लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा पैकेज तैयार हो जाएगा। बस आज के लिए वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।